अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में आपका ढेर सारा वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपसे रॉयल लुक के 24 के गोल्ड फेशियल का रिव्यू करूंगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा फेशियल बताऊंगा, फेशियल का मकसद बताऊंगा कि क्यों करना होता है फेशियल। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने जो है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो फेशियल है ना, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फेशियल करने का मकसद क्या होता है, ठीक है ना। हर एक स्टेप का मकसद होता है, अगर आप वो मकसद समझ लेंगे ना तो आप जो है ना वो फेशियल को भी समझ लेंगे, स्टेप्स को भी खुद ब खुद समझ लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ना फेशियल का मकसद ये होता है, हमारी स्किन को क्लीन करना, डीप क्लीन करना, हमारी स्किन के जो सेल्स हैं ना, डेड सेल्स, उनको एक्सफोलिएट करना ताकि नीचे से न्यू सेल्स आएँ। पिगमेंटेड जब सेल्स हट जाते हैं ना तो नीचे से न्यू सेल्स आ जाते हैं, हमारी फेस की डलनेस कम हो जाती है, हमारी स्किन जो सैग करना शुरू हो जाती है ना वो फर्म होना शुरू हो जाती है, टाइट होना शुरू हो जाती है, वो वापस अपनी हालत में आना शुरू हो जाती है। अगर आपके फेस पर वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं तो उनको रिमूव करने का काम करता है, आपकी स्किन के सेल्स को रिजुवेनेट करता है, रिवाइटलाइज करता है, जवान और ज़िंदा करता है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी अगर पिगमेंटेशन है, डलनेस हुई है, डार्क स्पॉट्स हैं आपके फेस को, तो उनको रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है ना। तो फेशियल में सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वो होता है फेस वॉश। फेस वॉश करके आपने जो है ना अगर ब्लीच करनी है या कोई पॉलिश वगैरह करनी है अपनी फेस पर तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्लीच जो होता है ना वो हमारे हेयर्स को ब्लॉन्ड करता है, और जो स्किन पॉलिश होता है ना वो कम ब्लॉन्ड करता है, लेकिन आपके फेस पर जो है ना वो ग्लो लाता है, ठीक है ना। जो ब्लीच पाउडर और वो आप यूज़ करते हैं ना, पॉलिशिंग वाला पाउडर और वॉल्यूम, वो आपके फेस पर ग्लो लाने का काम करता है, ठीक है ना। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है उससे। तो फेशियल में जो सबसे पहले जो मेन स्टेप होता है ना वो होता है क्लिंजर का। क्लिंजर का काम होता है डीप क्लींस करना, मतलब गहराई में जो भी पोल्यूटेंट है ना उनको निकाल देना, ठीक है ना। जो भी हमारे पोर्ट्स के अंदर गहराई में गंदगी फंसी हुई है ना उसको निकालना होता है, ठीक है ना। तो जो इसका क्लिंजर है ना रॉयल लुक का, ये गोल्ड क्लिंजर है इसका, इसके अंदर जो है ना वो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप एक क्लिंजर ही करेंगे ना, खाली क्लिंजिंग ही करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे, ठीक है ना। मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊँगा। क्लिंजिंग जो होती है ना वो 5 से 7 मिनट आपने करनी है, और आपने जो है ना जो भी स्ट्रोक करने हैं वो अपवर्ड होने चाहिए और आउटवर्ड होने चाहिए, कोई भी आपका स्ट्रोक जो है ना वो डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना वो होता है स्किन पॉलिश का, ठीक है। अगर आपने ब्लीच वाली स्किन पॉलिश कर ली है ना तो फिर आप इस स्टेप को स्किप कर देंगे, ठीक है ना। आपने जो है ना इसके अंदर भी ग्रैन्यूल्स होते हैं, आपने इसको 5 से 7 मिनट फेस पर लगे रहने देना है। बाद में जो है ना हल्का हल्का मसाज करके जो है ना आपने उतार देना है, इसको रिमूव कर देना है, ठीक है ना। अगर आप इसको ज़्यादा रगड़ेंगे ना अपने फेस पर तो जो है डेड सेल्स तो हट जाएंगे, तो जब नीचे से न्यू सेल्स आते हैं ना वो सेंसिटिव होते हैं, तो जब आप फिर स्क्रब करोगे तो जो नीचे से न्यू सेल्स आए हैं ना वो डैमेज हो जाएंगे, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, आपने स्किन पॉलिश को जो है ना वो आराम से उतार देना, ठीक है ना। आपने ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं उतारना, क्योंकि हमने डेड सेल्स को जो है ना वो स्क्रब से एक्सफोलिएट करना है, ठीक है ना। इसका मैंने स्क्रब भी यूज़ किया है, स्क्रब के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। स्क्रब का काम होता है डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करना, जो हमारी स्किन डल हुई होती है, टायर्ड हुई होती है, या लटक रही होती है, सैग कर रही होती है, डेड सेल्स इकट्ठे होने की वजह से, एक्यूमुलेट होने की वजह से। तो जब डेड सेल्स हट जाते हैं ना ऊपर से, तो नीचे से न्यू सेल्स आ जाते हैं, तो नीचे से न्यू सेल्स आते हैं उन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपके डार्क स्पॉट भी फेड होना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन भी कम होना शुरू हो जाती है, और आपके फेस पर ग्लो भी आ जाता है, ठीक है ना। तो आपने 5 से 7 मिनट हल्के हाथ से जो है ना स्क्रब करना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। मैं फिर बता दूं आपको, कोई भी स्ट्रोक आपने डाउनवर्ड नहीं करना, अपवर्ड और आउटवर्ड करने हैं, ठीक है ना। नेक से आपने ऐसे करना है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो स्क्रब आपने 5 से 7 मिनट कर लिया, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो पानी थोड़ा सा ले लें और हल्का हल्का करते रहें करते रहें। 5 से 7 मिनट आपने स्क्रबिंग करनी है अपने फेस पर,
फिर अगर आपके फेस पर वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, तो आपने स्टीम लेनी है। अगर आपके फेस पर ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके ब्लैक हेड वाइट हेड हैं तो आप स्टीम ले लेंगे। स्टीम लेकर जो है ना, आपने क्या करना है, जो टूल नहीं होता ब्लैक हेड वाइट हेड निकालने वाला, उससे जो इजीली निकले हैं ना ब्लैक हेड वाइट हेड, वो आपने निकाल लेने हैं। जो नहीं निकले उसके साथ जोर जुमाई नहीं करनी, नहीं तो आपके फेस पर पिट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। और एक्टिव एक्नी पर आपने स्क्रबिंग हरगिज नहीं करनी, जो दाने बने होते हैं ना उनके ऊपर स्क्रब नहीं करना, नहीं तो वो जो है ना वो टूट फूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपके फेस पर पिट्स बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके फेस पर एक्नी है ना तो उसको स्क्वीज़ भी नहीं करते, ठीक है ना। हमने देखा है कि तोड़ती फोड़ती हैं बच्चियां बहुत ज़्यादा दानों को, तो उसकी वजह से पिट्स बन जाते हैं, उनको सारी ज़िंदगी आपके जान छोड़ने वाले नहीं हैं दाने। एक्नी जो है ना वो तो एक टाइम में ख़त्म हो जाती है, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना वो होगा मसाज। मसाज का काम होता है हमारी स्किन के सेल्स को रेजुवनेट करना, रिवाइटलाइज्ड करना, मतलब जवान जवान और ज़िंदा करना। मसाज ऐसा स्टेप होता है जिसको अपने अपने फेस के अंदर इब्जॉर्ब करना होता है, जज़ब करना होता है, ठीक है ना। तो आपने 15 से 20 मिनट अच्छी तरह मसाज करनी है और इसको अपनी स्किन के अंदर इब्जॉर्ब करना है, ठीक है ना, ताकि आपकी स्किन के सेल्स जो है ना वो ज़िंदा और जवान हो, आपकी स्किन जो है ना वो ग्लोइंग दिखे। और मसाज ही ऐसा स्टेप होता है जहाँ पर आप जो है ना फेशियल स्ट्रोक्स भी कर सकते हैं अपनी एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी कर सकते हैं। मैंने उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। हमने अगर आपकी ऑयली स्किन है तो 10 मिनट काट लें, अगर ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो 15 से 20 मिनट आपने मसाज करना होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना वो होता है वाइट, इसका है मास्क, एंड पे मास्क लगाना होता है। 15 से 20 मिनट आपने मास्क लगाना और एक नैप ले लेनी है। मास्क आपकी स्किन की रंगत को निखारेगा, आपकी स्किन को सूथ करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और आपकी डलनेस को कम करेगा, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा और आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करने का काम करता है। 20 मिनट लगाकर एक नैप ले लें, जो आईज हैं इस पे कुकम्बर रख लें आप, ठीक है ना। तो आपने 20 मिनट के बाद इसको वाइप कर लें या फेस वॉश कर लें। उसके बाद जो है ना वो आपने सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है, क्योंकि हमने डेड सेल्स को हटाया है तो नीचे से न्यू सेल्स आए हैं। तो फेशियल के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मॉइस्चराइज़र लगाकर सनस्क्रीन लगा लें अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। तो ये जो फेशियल है ना, इसकी जो MRP जो है ना 120 ml प्रोडक्ट की 5,000 होते हैं इसमें, ठीक है ना। 1500 रुपया है। इसके बड़े फेशियल भी आते हैं, उसका मीडियम साइज़ का जो है ना वो 2500 रुपये का, इससे बड़ा साइज़ भी आता है। तो जो आपकी पॉकेट इजाज़त देती है आपको, वो वाला बाय कर लें, इसका छोटा ट्राई करें पहले लेकर। रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है फ्रंट लेबल पर, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो वो मैं नहीं कहूँगा कि कोई इतनी मिस्टेक नहीं है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है, वो ठीक हो जाएंगी। ये अहमद ने बनाया फेशियल, 1 साल मुझे पहले कहता था कि मेरी वीडियो बना दो, तो तब मैंने नहीं बनाई थी, मैंने कहा चलो आप बना देते हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसने कहा था कि पहले खुद यूज़ करना फिर बताना, तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर बाय करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस।